सबसे बड़ी खबर, जीएसटी विभाग से धोखाधड़ी का मामला। नोएडा पुलिस ने 16 लोगों पर की गैंगस्टर की कार्रवाई। इससे पहले गैंग के 33 लोगों पर हुई थी कार्रवाई। 12 से ज्यादा आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क की गई है। मामले में अब तक 50 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर जीएसटी विभाग से धोखाधड़ी का यह मामला है। नोएडा पुलिस ने 16 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। इससे पहले गैंग के 33 लोगों पर कार्रवाई हुई थी। 12 से ज्यादा आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क की गई है। मामले में अब तक 50 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। देश भर में सेल कंपनियां बनाकर जीएसटी विभाग को 3,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने वाले गैंग पर नोएडा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर प्रभावी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पिछले दिनों 33 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, अब 16 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। यानी अभी तक 50 के आसपास जो आरोपी हैं उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ साथ संपत्ति कुर्की भी की गई है। संपत्ति कुर्क करने के साथ साथ इनके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही है। पिछले साल इस गैंग का खुलासा हुआ था और गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस को भारी मात्रा में जीएसटी विभाग को चोरी करने के सबूत मिले थे। जीएसटी विभाग को चूना लगाने के मिले सबूतों के आधार पर अभी तक 50 के आसपास जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो सब जेल में बंद हैं। अभी किसी की जमानत तक नहीं हो पाई है नोएडा पुलिस की पैरवी के चलते। वहीं अन्य जो आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं उन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है। अब जिन 16 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है इनकी संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।